चैलेंजिंग सीरीज के एक नए प्रॉब्लम के साथ आज फिर हम आपके सामने हैं और आज का प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गौर से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, पहले इसका सलूशन नहीं देखना है, पहले इसको ट्राई करना है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई कर चुके होंगे, आइए इसका सलूशन देखते हैं। वन लिखा है यहां पे तो पहला टर्म, टू लिखा है तो दूसरा टर्म, थ्री लिखा है तीसरा टर्म, एन लिखा है नेक्स्ट टर्म, यानी इस सीरीज में एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ये लास्ट वाला टर्म इस सीरीज का एनएस्ट टर्म, इसको हम मान लें टी एन, एन डिवाइडेड बाई वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर फोर। अब अगर इसमें हम n की जगह 1 रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा t1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 4, और अगर n की जगह हम 2 रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा t2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू पावर 4। तो ये इसका पहला टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, इसी तरीके से आगे के टर्म हम लिख सकते हैं। तो इस सीरीज का सम हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन, यानी अगर टी एन हमारा ये है n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर 4, तो हमको सीरीज का जो सम निकालना है वो s है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस अप टू टी एन, ये हमको निकालना है। इस सवाल को लगाने के लिए एक खास ट्रिक की जरूरत है, जब तक वो ट्रिक नहीं पता रहेगी तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे, आइए उस ट्रिक को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे एक टर्म आया था 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर 4, एक टर्म आया था, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर 4 माइनस एन स्क्वायर, हमने एन स्क्वायर जोड़ दिया और एन स्क्वायर घटा दिया, बैलेंस हो गया। अब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, तो ये हमको मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो टर्म था 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर 4, ये हमको इतना मिला। अब हमें याद क्या करना है, मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, गौर से देखिए, कई सवालों में कई जगह इस्तेमाल होगा। एन रेस टू पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद करेंगे, बिना इस ट्रिक के इस सवाल को हम नहीं लगा सकते, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आइए जो हमारा सवाल था उसको देखते हैं। हमारा सवाल था कि टी एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेस टू पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन जो इसका है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। अब यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब इसको कॉपी कर लीजिए, अब यहां ऊपर हम 2n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, tn इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2n की जगह पे लिखा जा सकता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यही चीज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। यहां पे देखिए एन स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 और 1 कैंसिल होगा, यहां बीच में माइनस लगा है, ये वाला n और ये वाला n ऐड हो जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ, तो ये 2n हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं
डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हमको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये हमको मिलेगा। तो अब इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूं, तब तक इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखिए, हमें tn मिला था 1/2 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये हमें tn मिला था। अब इस रिलेशन में n की जगह डालेंगे 1 बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा t1। पहले हम t1 निकालेंगे, उसके बाद t2, उसके बाद t3, इस तरीके से हम आगे वाले सारे टर्म निकालेंगे। 1/t n की वैल्यू 1 डालिए तो ये आपको मिलेगा 1/1 माइनस 1/3, ये मिला। n की जगह 2 रिप्लेस करिए तो t2 विल बी इक्वल टू हाफ 1/3 माइनस 1/7 मिलेगा। n की जगह 3 रिप्लेस करिए तो t3 इज इक्वल टू हाफ 1/7 माइनस 1/13 मिलेगा। इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनली n की जगह n रिप्लेस करिए, यानी tn वाला टर्म कॉपी करिए, तो 1/2 1/n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n² प्लस n प्लस 1, ये हम लिख सकते। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है t1 से लेके tn तक का सम करना है। तो t1 से लेके tn तक का सम क्या है, s, और ये हाफ सब में कॉमन है, आप भी कॉमन कर लीजिए। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखिए, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये अपने ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके के पैरेलल डायगोनल्स कैंसिल हो जाएंगे। इस टाइप के सम को कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, टेलीस्कोपिक सम, जहां पे डायगोनली ऐसे कैंसिल हो जाए या ऐसे कैंसिल हो जाए, उस टाइप के सम को कहा जाता है टेलीस्कोपिक सम। तो जब टेलीस्कोपिक सम करेंगे तो हमें मिलेगा, यहां देखिए एक ये बचा और एक ये बचा, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस साइन, इसके सामने माइनस साइन है, साइन के साथ उतारेंगे, इस बात को ध्यान देंगे, तो ये मिला। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1/2 n² प्लस n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n² प्लस n प्लस 1, ये मिलेगा हमें। अब यहां पे गौर से देखिए, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो s क्या आ जाएगा, 1/2 n² प्लस n डिवाइडेड बाई n² प्लस n प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल की जो सबसे खास बात थी वो थी फैक्टराइजेशन, जो हमने याद करने के लिए कहा था। अब इसमें देखिए कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आगे दिखाता हूं। इसमें और सवाल ये पूछा जा सकता है, फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1² प्लस 1^4 प्लस 2/1 प्लस 2² प्लस 2^4 प्लस 3/1 प्लस 3² प्लस 3^4 एंड सो ऑन n/1 प्लस n² प्लस n^4। इस टाइप की लिमिट भी पूछी जा सकती है, तो कोई खास बात नहीं है, ये लिमिट कॉपी करिए और इसका सम अभी हम निकाल चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, 1/2 n² प्लस n डिवाइडेड बाय n² प्लस n प्लस 1, ये वैल्यू आई थी। अब इस पर लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। जब n² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/n + 1/n + 1/n², ये हमें मिलेगा। अब सिंस
वन बाई एन जीरो हो जाएगा और वन बाई एन स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। फिर तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वन बाई टू। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस सीरीज का सम जब तक हमें नहीं आएगा तब तक हम लिमिट को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को नहीं मालूम होगा तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आपने इंजॉय किया होगा। अगर इस तरीके के अच्छे सवाल चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में।